इसमें हमें हाउस वायरिंग करना है। अब इसका नाप लगाना है, इसका नाप लेके आएगी ये यहाँ पे, यहाँ से जाएगा ये 12 मॉड्यूलर के बोर्ड में। पहले एक नाप लगाते हैं फिर बताते हैं दूसरा आपको। बैक खींचो, देखो वो देखो स्प्रिंग देखो, आ गया लिखी दे दर दे दो क्या दे। हाँ हरा पीला काय को दे रहा है तो उसको वापस लाएंगे ना, तू दे तो छोड़ दे उसको, पीला छोड़ दे हरा दे, काला बने में बस। हाँ चल ठीक है बस, इधर दो सर्किट डालना पड़ेगा वहां, तू ले तो इतना बाकी तो इतना बड़ा किसको लेट बस के सब उठा। हाँ सब उठा लेंगे ना, बस मार दे गठान खोल के। ये हो गया हमारा सर्किट, अब इसको यहाँ से उठाना है हमें और ये वाले बोर्ड में लाना है। तो इसको कैसे नाप लगाएंगे देखिएगा, ये दोस्तों ये हमने हमारा हाफ, ये हमारा न्यूट्रल और ये हमारे सर्किट अर्थ, अर्थ ग्रीन कलर का फेस और न्यूट्रल ये है। अब ये नाप लगाएंगे और ये देखो कैसे खींचेंगे। ये दोस्तों हमारा भाव आ चुका है, अब इसको मैं काट लेता हूँ। और ये गठान मार लेना ताकि इधर खिंचाए जाए, पुश कर दो। ये दोस्तों ये मैं पंखे का नाप लेता हूँ, इसको थोड़ा सा छीलना यहाँ से, ये दोस्तों निशान लग गया उसमें, देख सकते हैं ये निशान लगा लिया है ताकि बोर्ड में जाए तो हमें बाद में दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। अब इसको आगे बढ़ाते हैं जोड़ना।
एक न्यूट्रल लूप कर लाना आप। अरे दोस्तों जैसे कि हम वायर भूल जाते हैं कोई, तो उसको आगे कैसे लगाएं, हमको स्प्रिंग में भी डालना है, हमने जैसे ये वायर अपने खींचा है तो हमने उसी में टेप मारा और ये हमारा हाथ ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हाथ आ गया, ये वाला वायर बैक खींच लेंगे। ये दोस्तों आप, ये हमारा सर्किट उठ के इधर आ गया है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये हमारा सर्किट आ गया। अब हमें एक हाफ और डालना है वहाँ से। ये दोस्तों इसमें मैंने एक सर्किट और जोड़ दिया जो कि ये मेन इससे उठ के जाएगा और एमसीबी तक जो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये देख सकते हैं, ये हमने हमारा सर्किट कंप्लीट। अब यहाँ का ये हाफ है, ये काट के हम बांध लेते हैं। ये रूम की दोस्तों वायरिंग पूरी हुई, ये किचन है हमारा, किचन की वायरिंग पूरी हुई। देखिए एक पॉइंट ये है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा और चौथा ये है।